दोस्तों नमस्कार, पेश है आपके लिए 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। करंट अफेयर्स की ढेर सारी मैं सीरीज चला रहा हूं, उसके इतर भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो मेरे अनुसार परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, उनके लिए अलग से मैं सीरीज चला रहा हूं दोस्तों। तो इसको भी आप हल करते जाएं, जितना करंट अफेयर्स दे रहे हैं सब हल करते जाएं। पॉइंटर आप देख ही चुके हैं, बाकी 1 महीना जब बचेगा परीक्षा का तो करंट अफेयर्स का सब कुछ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, पीडीएफ में भी और वीडियो में भी। बिल्कुल इसलिए चिंता मत करिए, करंट अफेयर्स बिल्कुल निश्चिंत रहिए और लगे रहिए, जो जो मैं टेस्ट करा रहा हूं देते जाइए, हो सके तो दोहराते जाइए, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। तेलंगाना में किस कार्यक्रम के अंतर्गत 20 लाख हैप्पी होम्स बनाने का कार्य आरंभ किया गया? तेलंगाना में 20 लाख हैप्पी होम्स बनाने का कार्य आरंभ किया गया किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, फिर या सौभाग्य योजना? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसका उत्तर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 20 लाख घरों में हैप्पी होम्स उनको बनाने का कार्य आरंभ किया गया, ठीक है, गैस वितरित करने की योजना के तहत। उत्तम ऐप किससे संबंधित है? कोयले से, विद्युत से, सड़क से या फिर रेल से? ये उत्तम ऐप दोस्तों ए कोयले से संबंधित है, कोयले की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग के लिए ये लॉन्च किया गया है। ऐप के लिए एक वीडियो मैंने बनाया था, वो थोड़ा पुराना हो गया, फिर से जितने ऐप हैं सारे उनके वीडियोस बना दूंगा, जितने ऐप हैं महत्वपूर्ण। सरस्वती सम्मान 2017 के प्राप्तकर्ता कौन है? शीतांशु यशचंद, गरिमा सिंह, दीन भगत, रघुनंदन? कई बार यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है, कई बार हमने किया है, पॉइंटर में भी बताया है, अपनी जीएस की 2-3 सीरीज में प्रश्न बता चुका हूं। शीतांशु यशचंद को मिला है सरस्वती सम्मान 2017। निम्न में से कौन असत्य है? ओपेक 15 देशों का अंतर सरकारी संगठन है, इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी किंतु इसका मुख्यालय वियना में है। कांगो गणराज्य ओपेक का 15वां सदस्य जून 2018 में बना, या फिर भारत 2005 से इसका सदस्य है? तो इनमें से कौन सा असत्य है यह आपको बताना है। ऊपर के तीनों सही है, भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, ये 15 देशों का अंतर सरकारी संगठन है, सही है। 15वां देश अभी हाल ही में जून 2018 में कौन बना? कांगो गणराज्य बना, महत्वपूर्ण बनता है यह प्रश्न। इसकी स्थापना ओपेक की दोस्तों 1960 में कहाँ हुई थी? बगदाद में, लेकिन इसका मुख्यालय वियना में है। भारत इसका सदस्य नहीं है। आयकर मुखबिर पुरस्कार योजना के तहत सूचना देने वाले व्यक्ति को कितना रुपया दिया जाएगा पुरस्कार के तहत? 1 करोड़, 50 लाख, 80 लाख या 2 करोड़ रुपए? दोस्तों आयकर विभाग ने ये दो, वित्त मंत्रालय ने दो योजनाएं निकाली हैं, एक आयकर मुखबिर पुरस्कार, एक बेनामी लेन देन संबंधित जो मुखबिर योजना है। तो बेनामी लेन देन से जो संबंधित खबर देगा उसको 1 करोड़ रुपए, और आयकर की चोरी संबंधित जो खबर देगा उसको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इसका उत्तर बी होगा, 50 लाख रुपए। वैदिक साइंस सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है? वैदिक साइंस सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है? वाराणसी, इलाहाबाद, हरिद्वार, लखनऊ? कहाँ पे? काशी विश्वविद्यालय में, वाराणसी में, ठीक है ना। COP 23 का आयोजन कहां पर हुआ? फ्रांस, जर्मनी, जापान या फिर चाइना में? COP 23 का आयोजन जर्मनी में हुआ दोस्तों, ठीक है ना। गोवर्धन योजना की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? हरियाणा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा हरितिमा कार्यक्रम कहां पर शुरू किया गया? वाराणसी, इलाहाबाद,
कानपुर या फिर दरियागंज। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा हरितिमा कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? इलाहाबाद से। सी विजल क्या है दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सी विजल क्या है? वायरस है, मोबाइल ऐप है, अमेरिकी कानून है या फिर मेलवेयर है? चुनाव आयोग ने, भारतीय निर्वाचन आयोग ने क्या किया है? हाल ही में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम सी विजल है। ये आचार, जो चुनाव आचार संहिता है, उसका उल्लंघन करने पर कोई भी नागरिक इसकी शिकायत फोटो खींच करके भेज सकता है, ठीक है, चुनाव आयोग के पास। तो इस ऐप का क्या नाम है? सी विजल ऐप है, याद रखेगा। हाल ही में किस देश ने भारत को समर्पित पहला निवेश फंड जारी किया? किस देश ने भारत को समर्पित पहला निवेश फंड जारी किया? जापान, अमेरिका, चीन, इजराइल, चाइना। इसका उत्तर है चीन ने जारी किया। मई 2018 में आयोजित 15वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? टोक्यो, शंघाई, काठमांडू या फिर नई दिल्ली में? यह आयोजन कहां हुआ दोस्तों? नई दिल्ली में हुआ, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैंसर केयर फाउंडेशन प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल, असम, मणिपुर या फिर महाराष्ट्र? कैंसर केयर फाउंडेशन असम है। मई 2018 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया गया। देखिए, काफी लोग कंफ्यूज हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, तो कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए। 64वां, 65वें में अंतर समझिए, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, ठीक है ना। इस बार जो मई 2018 में वितरित हुआ है, ये फिल्म, सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया है, ठीक है। इसके पहले वाले में 2016 में जो दिया गया था, वो अर्थात जो 2017 में दिया गया था, 16 का पुरस्कार 17 में दिया गया था, उसमें उत्तर प्रदेश था। लेकिन जो वर्ष 2017 का दिया गया 2018 में, इसका मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो मई 2018 में मध्य प्रदेश को मिला है सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार। महिलाओं की सुरक्षा हेतु तो किस राज्य द्वारा दुर्गा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है? राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा या फिर बिहार? महिलाओं की सुरक्षा है तो किस राज्य द्वारा दुर्गा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है? ये दोस्तों सी इसका उत्तर है, हरियाणा पुलिस ने इसको लॉन्च किया है, हरियाणा सरकार द्वारा, ठीक है, सी इसका उत्तर है। सितंबर 2018 में होने वाले पहले भारत पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ होगा? पहला भारत पर्यटन मार्ट कहाँ आयोजित हुआ होगा सितंबर 2018 में? उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम या फिर नई दिल्ली में? दोस्तों ये नई दिल्ली में आयोजित होगा। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित होगा? रूस, कतर, जर्मनी और यूएई, कहाँ पर? अभी रूस में हुआ है 21वां फीफा फुटबॉल विश्व कप, ठीक है ना। फ्रांस इसमें विजेता रहा है। 22वां कहाँ पर होगा दोस्तों? कतर में होगा ना। 18वें एशियाई खेल का आयोजन कहाँ आयोजित, कहाँ किया जा रहा है? इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन, थाईलैंड, कहाँ पर ये शुरू हुआ है दोस्तों 18वां एशियाई खेल? जकार्ता में, इंडोनेशिया, ठीक है। निम्न में से कौन हाल ही में आईसीसी की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने वाला देश बना है? स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड, बांग्लादेश। हमने बताया था दो देशों को आईसीसी ने हाल ही में पूर्ण सदस्यता प्रदान की है। बांग्लादेश तो बहुत पहले से है। कौन से दो देशों को प्रदान की अभी हाल ही में? पहला अफगानिस्तान, दूसरा आयरलैंड, ठीक है ना। तो इसका उत्तर आयरलैंड होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।